ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंट। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले यानी कि 2 महीना पहले हमारे देश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसी के देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 72 लाख कार्ड धारकों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने की घोषणा की थी। इसके बाद जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी राशन देने की घोषणा की थी। फाइनली कुछ लोगों को राशन मिलना स्टार्ट भी हो गया है। इसी बीच देखते हुए पीएम मोदी का ऐलान, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त में मिलेगा राशन। आखिर क्या है मामला जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरअसल बात ऐसी है, नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में आज देश के 9वीं बार संबोधित किया। इस दौरान में उन्होंने गरीब जनता के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को अब नवम्बर तक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल जब कोरोना की वजह से लॉक लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी। पीएम ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस साल भी मई और जून के लिए इस योजना के विस्तार किया गया था, उन्होंने से दिवाली तक आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि इस महामारी के इस वक्त में सरकार हर गरीब के साथ उनका साथी बनकर खड़ी है। उन्होंने कहा है कि नवंबर तक 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद ये है कि किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि देश के किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्चा नहीं करना होगा। उन्होंने कहा है कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है, अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इससे जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार की मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।